मीडिया और मोबाइल फोन पर होने वाली मोहब्बत ने कई घराने उजाड़ दी हैं। शादी के बाद कई खवातीन धोखेबाज शोहरों से खुला लेने अदालत पहुंच गई हैं। ये कहानी है क्या, जान लेते हैं फटाफट। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल, पहले मोहब्बत फिर शादी और आखिर में धोखा, कई घर उजड़ गए। इंटरनेट और मोबाइल फोन तो आजकल हर किसी के इस्तेमाल में है, लेकिन खबरदार होशियार, टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल कहीं आपकी जिंदगी बर्बाद ना कर दे, क्योंकि वर्चुअल मोहब्बत शादी के बाद रियल टाइम प्रॉब्लम बन सकती है। नहीं यकीन तो आप इन खवातीन से पूछें जो लबों पर लाली, कलाई में चूड़ियां और हाथों में पर्स थामे फैमिली कोर्ट्स के बाहर तलाक लेने आई हैं। शादी करने के बाद उसने इस तरह किया कि मेरे साथ, उसने मेरे पास कुछ जेवर था, कुछ पैसे वगैरह, वो ले गया, लेके वापस चला गया और मुझे धोखा दे गया। शादी के चंद रोज बाद इसने मारपीट करना शुरू कर दिया। मुल्क भर में शादी के बाद शोहरों के धोखे का शिकार खवातीन की तादाद में इजाफा हो रहा है जो तंसीख़े निकाह के लिए अदालत आ रही हैं। ज्यादातर खवातीन उसकी वजह मर्दों को ही करार देती हैं। तो आप एक बंदे को जानते नहीं है, आपका फोन पे कॉन्टेक्ट हो जाता है, फिर आप उसके साथ लव में इन्वॉल्व हो जाते हैं और शादी वगैरह, जबकि आप उसकी बैकग्राउंड नहीं जानते। गुजरांवाला की फैमिली कोर्ट्स में इस साल 2000 से ज्यादा खवातीन ने तंसीख़े निकाह के लिए रजू किया है। पसंद की शादी करना तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के गैर जरूरी इस्तेमाल को रोककर ऐसे कई मसाइल से बचा जा सकता है।